Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 5th of December 2020 और आज हम देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑन द हिंदू, वैक्सीन में भी रेडी इन अ फ्यू वीक्स. तो ये एक कुछ ऐसी न्यूज़ आइटम्स होती हैं जो आपको चेन में डेली पढ़नी होती हैं. तो आजकल पिछले एक दो महीने से लगातार हर दिन ये कुछ न्यूज़ आ रही है दैट एक नई वैक्सीन जो है वो प्रपोज हो रही है, वो एक्सेप्ट हो रही है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं. सो इन दैट चेन यू हैव टू रीड दिस दैट नाउ द प्राइम मिनिस्टर द अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन हैज सेड दैट द वैक्सीन मे बी रेडी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, जैसे इसमें ये एक पॉइंट है, फाइनेंशियल एड सॉट फॉर स्टेट्स, और स्टेट्स की सलाह भी मांगी गई है कि स्टेट से एक डिस्कशन करने के बाद ही सेंटर उस वैक्सीन की जो कॉस्ट प्राइस है या उसकी जो प्राइस है वो डिसाइड करेगा. एंड फाइनेंशियल एड हैज़ बीन सॉट फॉर स्टेट्स, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें स्टेट्स के लिए फाइनेंशियल एड की भी मांग की गई है. सो यू हैव टू रीड दिस न्यूज़. देन फार्मर्स फर्म ऑन रिपील ऑफ एग्रीकल्चर लॉज, ये भी एक वैसी न्यूज़ है जो कि एक चेन में चल रही है, यू हैव टू फॉलो इट अप एवरी डे. द न्यूज़ दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक नोट ऑफ इज RBI होल्ड्स रेट्स, सीज फाइनेंशियल ईयर GDP कॉन्ट्रैक्शन एट 7.5%. इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है, इसको नोट डाउन करना है. सो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है MPC, इट इज़ अ 6-member बॉडी हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अपनी एक जो बाय मंथली उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को सेम रखा है. नाउ द रेपो रेट इज एट 4% एंड द रिवर्स रेपो रेट इज एट 3.35%. तो रेपो रेट क्या होता है, जिसपे जो RBI है वो बैंक्स को लेंड करता है और रिवर्स रेपो है जिसपे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो RBI को लेंड करते हैं. सो दोज रेट्स हैव बीन कैप्ट अनचेंज्ड. एंड वट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेट चेंज ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, तो ये सारा जहाँ पर भी आपका स्टैटिक इकोनॉमी का पार्ट है उसके साथ आप इसको लिंक करके देखिए. एंड देन RBI हैज ऑल्सो सेड दैट दिस फाइनेंशियल ईयर द कॉन्ट्रैक्शन विल बी 7.5%, कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, यानी कि फ्रॉम 1st of April 2020 टिल 31st of March 2021, जो पूरे साल में इंडिया का GDP कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट विल बी क्लोज टू 7.5%. तो अलग अलग एजेंसीज अलग अलग इसके ऊपर अपना अपना जो एस्टिमेट है वो दे चुकी हैं, बट वी हैव टू सी दैट व्हाट द RBI इज सेइंग बिकॉज इट इज़ द मोस्ट अथॉरिटेटिव बॉडी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस. उसके बाद मूव टू द एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल पेज पे ट्रस्ट डेफिसिट, फर्स्ट एडिटोरियल, ट्रस्ट डेफिसिट. अपार्ट फ्रॉम फ्रेश अमेंडमेंट्स द सेंटर मस्ट कंसिडर अ लीगल गारंटी फॉर MSP. तो ये भी बहुत सारे कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसपे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज आइटम्स, एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे. तो फार्म लॉज भी ऐसा ही एक इशू है. बट आई टोल्ड यू कि जो प्रपोजल्स हैं उन्हें आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी. द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस हैज़ टू बी गिवन टू द फाइनल एग्रीमेंट दैट विल बी साइंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स. तो यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि सेंटर को क्या करना चाहिए. तो ओपिनियन बेस्ड मेन्स आंसर्स में आपको इस तरह के सजेशंस काम आ सकते हैं कि सेंटर को क्या करना चाहिए, बिकॉज इन दिस ईयर्स मेन्स एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. यू कैन एक्सपेक्ट द अ क्वेश्चन ऑन फार्म लॉ ऑर्डिनेंसेज, किसी भी तरह से वो पूछा जा सकता है. सो यू शुड पे अटेंशन टू दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स. ये भी जो आर्टिकल है द मैनी लेयर्स टू एग्रीकल्चर डिसकंटेंट, इसमें बताया गया है कि जो फार्म लॉ के जो अभी ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं जिनके अगेंस्ट सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, दे आर जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. देर आर सो मैनी पार्ट, देर आर सो मैनी लेयर्स टू द प्रॉब्लम इन एग्रेरियन सेक्टर, जिनका एक जो फॉलआउट है दैट इज द प्रोटेस्ट. तो वो सिर्फ इन ऑर्डिनेंसेस के लिए नहीं बल्कि द डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये इसमें बताया गया है क्या क्या वो डिसकंटेंट हैं पूरे फार्म सेक्टर के लिए, जो भी रिफॉर्म्स हैं वो यहां पर आपको बताए गए हैं. देन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, अ रिग्रेसिव एजेंडा, अ न्यू लो इन गवर्नेंस.
जो यूपी ने अभी अभी लव जिहाद नाम का एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जो कि मैरिज कन्वर्जन, मैरिज बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन बिकॉज ऑफ मैरिज को रोकने के लिए है, तो उसके अगेंस्ट ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। जिनके भी पास लॉ ऑप्शनल है यूपीएससी में, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सो मेनी जजमेंट्स एंड डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स आर साइटेड इन दिस, जिसे ये बताया गया है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स पे ये ऑर्डिनेंस इम्पैक्ट डालती है, हाउ इट विल कर्ब आर्टिकल्स 19, 21 and 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्री, सो मेनी अदर फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, हाउ दे आर कर्ब्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी परस्पेक्टिव, द इफेक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्डिनेंसेज ऑन द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ द कोर्ट्स शुड डील विद इट। तो ये आपको करना है। देन मूविंग टू द वर्ल्ड पेज, इसके बाद हम वर्ल्ड पेज पे मूव करते हैं। यूके ड्रग्स रेगुलेटर डिफेंड्स द पेस ऑफ वैक्सीन अप्रूवल। यूके पहली कंट्री बन गई है दुनिया में जिसने वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, और नेक्स्ट वीक से वो वैक्सीन एडमिनिस्टर होनी शुरू हो जाएगी। फाइजर कंपनी ने वो वैक्सीन डेवलप की है, बट इट इज़ मीटिंग विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्रोसीजर को बाईपास करके बहुत जल्दी ये वैक्सीन अप्रूव कर दी हैं। बट यूके हैज़ डिनाइड एनी ऑफ दीज एलिगेशंस, एंड उन्होंने अपने इस डिसीजन को डिफेंड किया है कि जो उनका फास्ट पेस है वैक्सीन को अप्रूव करने का, इट इज़ टोटली फाइन। जो वहाँ का रेगुलेटर है उन्होंने कहा है कि हमने अपने सारे चेक्स जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म किए हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव यू नो आफ्टर दैट वी हैव अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। इससे इंडिया के लिए लेसन ये हैं दैट विदाउट बाईपासिंग एनी ह्यूमन ट्रायल्स और एनी अदर स्टेजेस इन द ट्रायल ऑफ दिस वैक्सीन, एडिक्वेट टाइम शुड बी गिवन टू ऑल दोज टेस्ट, क्योंकि अगर बाद में किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या कोई भी और उसका साइड इफेक्ट देखने में आया, देन इट विल बी टू लेट बिकॉज इट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू करोड़ ऑफ पीपल इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। देन very very important news from Indian economy perspective, RBI tightens oversight of NBFCs and UCBs, non-banking finance companies और urban cooperative banks के ऊपर RBI ने अपनी oversight को थोड़ा और tight कर दिया है। Recently जो लक्ष्मी विलास बैंक है it defaulted, तो उसे merge कर दिया गया एक दूसरे बैंक के साथ। Basically banking sector में लोगों का जो trust है उसे बनाए रखने के लिए RBI ने ये मेजर लिया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंक लेंडर्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बॉल्स्टर करने के लिए आरबीआई ने ये पर्टिकुलर ओवरसाइट अपनी बढ़ाई है। सिस्टमिक रिस्क का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन बैंक्स में, सिस्टम को पूरे के पूरे सिस्टम को ये एक रिस्क में डाल सकते हैं, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर डिसीजन हैज़ बिन टेकन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है, एंड यू कैन ऐड दिस वीडियो इंडियन इकोनॉमी नोट्स, जहाँ भी आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर आपने नोट्स बनाए हैं वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर व्हिच इज द इंडियन एक्सप्रेस। ऑन द इंडियन एक्सप्रेस मूव टू द एक्सप्लेन्ड पेज। एक्सप्लेन्ड पेज से पहले there is a news item on page number 12. On page number 12 of Indian Express, there is a news item. Father of fiber optics and Sikh activist Narinder Singh Kapani passes away at 94. So, fiber optic cable, जिसे आज हम fast internet speeds के लिए use करते हैं throughout the world, it has become the new normal in high speed internet world.
जो फाइबर ऑप्टिक्स के फादर माने जाते हैं नरेंद्र सिंह कपानी, ही हैज डाइड एट द एज ऑफ 94. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फाइबर ऑप्टिक्स, उसका एवोल्यूशन, उसकी फंक्शनिंग और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे डिटेल में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर साइंस एंड टेक पार्ट बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़ ड्यू टू द डेथ ऑफ मिस्टर नरेंद्र सिंह कपानी. ऑल्सो यूपीएससी में एक अलग से मेन्स में देर इज़ अ सब हेड अंडर साइंस एंड टेक, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर. तो उसमें भी ये आपको अच्छे से करना है नरेंद्र सिंह कपानी. उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे, पेज नंबर 13, सर्जरी एज पार्ट ऑफ आयुर्वेदा. तो कुछ देर पहले यूनियन गवर्नमेंट ने ये एक प्रपोजल निकाला है कि जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं उनको भी सर्जरी करने की परमिशन दी जाए, बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन is against this particular decision of the central government. Why is Indian Medical Association against this decision, and how it will change the prospects of Ayurveda doctors in the future? क्या क्या उसमें challenges हैं, सारा question answer format में आपको इस article में दिया है जो कि आपको पढ़ना है. Then science and tech में lab grown meat cleared in Singapore, emerging alternative worldwide. Environment ecology point of view से भी और science and tech point of view से भी ये आपको पढ़ना है. What can be its impact on human health in the long run? What is the implication on science and technology? What is the implication on environment and wildlife? तो क्या ये एक alternative emerge हो सकता है for the people who eat non-vegetarian food? Can it help in any way in saving the environment from this kind of behavior? तो ये आइटम भी आपको पढ़नी है. ऑन द एडिटोरियल पेज देयर इज ओनली वन आर्टिकल यू नीड टू स्टडी, अगेन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ पैंग्स. तो इसमें ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बट आरबीआई ने अपने रेट चेंज नहीं किए हैं. सो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन, ये पूरा एडिटोरियल आपको पढ़ना है. तो इंडियन इकोनॉमी के आज काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं, इंडियन इकोनॉमी के और साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज. और फार्म लॉज के ऊपर जो ऑर्डिनेंसेज हैं वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर ऑल द न्यूज दैट यू हैव टू रीड टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.